तो लड़कियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं और इसीलिए घर से भाग जाती हैं, इस तरह की बातें मीना कुमारी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार उनका फोन चेक किया जाए, मोबाइल पर बात करके लड़कियां भाग जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लड़कियां अगर घर से भागी हैं तो उसकी मुख्य वजह यही रही, इसलिए उनका फोन लगातार चेक होना चाहिए। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीना कुमारी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए? फोन देने से बिगड़ जाएंगी वो, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओं को अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया, मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपको इसमें कोई विवाद नहीं लगता? आपने कहा कि लड़कियों को अगर फोन दिया जाता है इसी तरह की लड़कियां आगे जाकर भाग जाती हैं, आपने यही कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़कियों को फोन, मैंने कहा नाबालिग जो लड़कियां लड़के होते हैं उनको फोन ना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास आए, कल भी मेरे पास केस आए, उसकी मार हो रही थी। पर मीना कुमारी जी, ये बताइए आजकल तो पढ़ाई लिखाई, बच्चों की क्लासेस सब कुछ फोन पर चलती हैं, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट आप कर रही हैं? नहीं, इसीलिए तो चेक करना चाहिए, मोबाइल अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। मोबाइलों को पढ़ाई लिखाई सब मोबाइल से होती है, लेकिन उनकी माओं को चाहिए कि उसको शाम को चेक करें हमारी बेटी ने किससे बात करी है, क्या 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 किया। मीना कुमारी जी, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, क्या आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं या फिर उनके खिलाफ खड़ी हैं? क्योंकि आपके बयान तो सीधे तौर पर यही लगते हैं कि उनकी आजादी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं तो कहां कहां नहीं पहुंच रही, तरक्की कर रही हैं, फोन नहीं देने का मतलब क्या है? एक एक गरीब आदमी, एक जिसकी बेटी जाती है, उदाहरण में भी है मेरे पास केस आते हैं इस तरह के, लड़कियां मोबाइल से भाग जाती हैं, शादियां कर लिया है लड़कियों ने। मैं अब फिर दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ, जो नाबालिग लड़की हैं और लड़के हैं उनका उनके मोबाइलों को चेक करा जाए शाम को, उनकी माएँ देखें, पिता देखें, जो भी है, क्या वो कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही ये बात बोल रही हूँ। मतलब सीधा ये है मीना कुमारी जी, आपका ये कहना है कि जो लड़की नाबालिग, चलिए हम यहाँ पर वो शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाबालिग अगर कोई लड़की फोन पर बात कर रही है तो वो भाग जाएगी घर से? उदाहरण में है मेरे पास, जो लड़कियां मोबाइल के जरिए गई हैं, सब थोड़ी होता है, जो गांव की लड़की हैं बेचारी सीधी हैं, वो हैं मोबाइल से मैसेज करके उनको लोग बुला लिया जाता है। मैंने ये बोला है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही बात कर रही हूँ। मीना कुमारी जी, जो लड़कियां या फिर लड़के भी, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को मत लीजिए, यहाँ पर लड़कों को भी